ओ चली चली रे पतंग बड़े दिनों के बाद, गाना नहीं है तो फिल्म में पतंगन को महोत्सव चल रहा भैया यारो। सो सबके मकर संक्रांति बुड़की की राम राम बहुत ही बहुत पहुंचे। और एक हमारे के प्रायोजक है भैया छतरपुर के कल्याण मंडप में जो मेला चल रहा ना हैंड, हाँ हस्तशिल्प मेला, जबरदस्त मेला है, जरूर सब जाने देखे जाओ। लेकिन खबर है फटाफट में पहली खबर जो है कि भैया बेरोजगारों के परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेरोजगारों के ऐलान है। जिला प्रशासन संवेदनशील है, सो अब जिला प्रशासन ने तैयारी करी है और आज रोजगार मेला लगा हुआ। कोरोना काल के बाद पहला रोजगार मेला आज स्टेडियम में शुरू हुआ, पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में जो मेला शुरू हुआ। और रोजगार मेला में कई कंपनी आई, कई बच्चों के रोजगार भी मिलो, इनको व्यापक प्रचार प्रसार भी करोगे। तो कलेक्टर सीलन सिंह के निर्देश पर जब पूरा मेला सजा हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो मंशा थी वो मंशा पे सीलन सिंह काम कर रहे हैं, सो लगन लगुआ। सो वो मंशा पे काम कर रहे हैं, यही से तो पिछले दिन जब कलेक्टर ने कटनी कलेक्टर के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस भाई ना, और जब सीएम ने कटनी कलेक्टर के हटाओ तो वो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने छतरपुर कलेक्टर की तारीफ करी थी कि छतरपुर में एक एक चीज को पालन हो रहा। और यही कारण है कि देखो आज रोजगार मेला लगो, तो रोजगार मेला में इतना जो निगम के अध्यक्ष हैं प्रदुम लोधी और बड़ा मल्ल के विधायक हैं, प्रदेश भाजपा की नई मंत्री बनाई गई और पूर्व मंत्री विधायक जे ललिता यादव जो भी विशेष रूप से मौजूद हैं, कलेक्टर तो आते ही। सो जो मेला को शुभारंभ हो भाषण भाई सब चीज़ें भाई एक ही बार एक एक स्टॉल पर पहुँच के जायजा भी लो अतिथि ने और कलेक्टर ने संग जाके, और कई रोजगार के आयाम स्थापित होते थे तो लोग लाभान्वित भाई। सो चलो देख रहे हमारी खबरी राजेंद्र त्रिवेदी की खबर। जिला में पहले चरण में 8000 आवेदन के 31 कंपनियों में रोजगार के मौका उपलब्ध कराया गया। आज छतरपुर में मौका तो पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में, जहां पर कन्या पूजन के संगे रोजगार मेला को शुभारंभ करोगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार छतरपुर जिला के बेरोजगारों के रोजगार उपलब्ध करावे के लाने कलेक्टर छतरपुर ने संवेदनशील प्रयास शुरू करे हैं। इसके तहत सक्वार के जिला स्तरीय रोजगार मेला को आयोजन स्टेडियम में करोगा। तो कलेक्टर सीरन सिंह ने ऐसे में मेला में 31 कंपनियों के बुलवाओ तो पहले चरण में बेरोजगारों के आवेदन लाए गए, उनको साक्षात्कार के लाने मेला में 8000 बेरोजगारों के पंजीयन भी भाई। और ई जिला स्तरीय मेला में मुख्य अतिथि नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष विधायक प्रथम लोधी, मंत्री पूर्व मंत्री ललिता यादव और भाजपा के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह भी मौजूद थे। इन सब ने एक एक स्टॉल पर जाकर बातचीत करी, लोगों से पूछो और फिर बेरोजगारों से भी जब बातचीत ही पाई तो ये बड़े खुश होते। तो सुन लो क्या कह रहे हैं ये सब जने बेरोजगारों की, सुन लो। बिमल वर्मा, हरपालपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। मैं रोजगार कार्यालय में दैनिक भास्कर के थ्रू तो आवेदन मिलने पर मैं रोजगार कार्यालय छतरपुर आया हूँ, जिसमें मुझे विभिन्न प्रकार की कंपनियाँ थी, जिसमें मैंने हाल ही बिल्सन कंपनी में आवेदन किया, जिसमें तुरंत ही मुझे ज्वाइन लेटर उपलब्ध करा दिया गया और मैं इस कंपनी में जाकर बहुत सारी वर्कर के तौर पर ट्रेनिंग लूँगा। थैंक यू। मेरा नाम अजय कुमार अनुरागी है और मैं रोजगार मेले में आया हूँ छतरपुर, और काफ़ी सारी कंपनियाँ भी मैंने देखी हैं, लेकिन गुजरात बैलिस्पेन इंडिया लिमिटेड में बहुत अच्छी सुविधाएँ वगैरह मैं पहले भी हो चुका हूँ वहाँ पर, इसलिए मुझे कोई कठिनाई से गुजरने के लिए मुझे घर पे आना पड़ा, इसलिए मैं दोबारा जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। यहाँ आने पर मुझे दोबारा रोज़गार मिल गया है। तो दूसरी खबर भैया एक और है, जो तो मेला बढ़िया अच्छा है, रोजगार मेला में युवा के मौका मिल रहा, इससे अच्छी बात कछु नहीं हो सका। और इसके लाने कलेक्टर सीरन सिंह के बधाई भी अपन दे हैं कि चलो कछु अच्छे काम जिला में शुरू हो गए, कोरोना काल में बड़ी हिम्मत से काम लाओ तो अब आगे जाके भी हिम्मत ही काम आए। और दूसरी खबर जाएगा भैया छतरपुर की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री ललिता यादव के मध्य प्रदेश भाजपा में प्रदेश मंत्री को दायित्व मिलो है, और ये दायित्व से खुशी की लहर उनके कार्यकर्तन में भाजपा के कार्यकर्तन में दौड़ गई। सो दौड़ गई सो आज लेके पटाखा उन्हें दीवारी मना डाली, छत साल चौप हुई सब जने इकट्ठे भाई नारे लगावो शुरू कर दे, पतो करो भैया कुआ कैसे तो पटाखा कुआ फोड़ो कुआ फोड़वा रहा। सो पता चलो ये भैया ललिता यादव के समर्थक हैं
अच्छा बिल्कुल, जिनके निर्देशन में पूरे पटाखा आतिशबाजी फोड़ के प्रदर्शन करो। अभिषेक सिंह परिहार के जो कार्यकर्ता आते हो, कार्यकर्ता का पूरे भाजपा के कार्यकर्ता थे, सो अभिषेक सिंह परिहार के नेतृत्व में इन सब ने इकट्ठे होकर आतिशबाजी करी, आतिशबाजी करके जयकारा भी लगाए, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को आभार भी जताओ। सो देख सुन लो तुम्हें जगह पर तो ये जैसी खबर है और खबर ऐसी हम ले आते हैं। अभी तो हम ले रहे बेटा बहुत खबर है भैया, आज देख देख के हैरान है जो अभी तो ले रहे बेटा जय राम जी की। तो फेटम में जाओ भैया, फेटम जे में सागर रोड पे कृष्ण क्रांति को ऑफिस है उनके बगल में, पतंजलि को स्टोर है उनके सामने सागर रोड पे देरी रोड के पहले, और दूसरी ब्रांच जिनकी है कलेक्टर बंगला के सामने पन्ना नागिन रोड की ब्रांच दमराई मोहल्ला में। तो भैया जाओ भैया फेटम में, अगर शरीर को निकलना हो दम तो अपना फेटम।